अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 20 है और आज हमने लेक्चर 20 में CW6 करना है, जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है। टॉपिक इसका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। गिव अ शॉर्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 का, व्हाट इज़ द कंट्रोल पैनल, व्हाट कैन इट बी यूज फॉर। कंट्रोल पैनल क्या होता है और को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? द कंट्रोल पैनल इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स इन विंडोज़ XP। अब अगर हम कंट्रोल पैनल की डेफिनेशन की बात करें, कंट्रोल पैनल क्या होता है, तो कंट्रोल पैनल ऐसे टूल्स का कलेक्शन है जो कि जिसके ज़रिए से हम जो विंडोज़ XP में, यानी कोई भी विंडोज़ हैं, विंडोज़ 7 है, 8 है, तो उसमें हम कंट्रोल पैनल को खोलते हुए वो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। These tools allow you to customize Windows XP. अब control panel किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आप control panel खोलते हुए इन tools के ज़रिए से अपनी Windows की settings को change कर सकें। जैसे कि अगर आपने display की settings change करनी है, या फिर आपने जो है किसी folder की settings जो है वो change करनी है, तो आप control panel के tools को इस्तेमाल करते हुए ये settings change कर सकते हैं easily. Question number 2 is, give the difference between the category view and classic view of the control panel. अब हमने ये control panel में दो views के बारे में पढ़ा था reading के दौरान, कि category view भी होता है और classic view भी होता है computer के control panel के अंदर। तो पूछ रहे हैं कि category view और classic view जो है control panel के अंदर, उन दोनों में difference क्या होता है इन दोनों views में। तो इसका answer क्या है? In the category view, the control panel tools are grouped into categories. अब इसके नाम से पता चल रहा है कि category view में आपके पास कुछ categories होंगी जिनकी grouping की जाती है, यानी एक option से आप multiple tasks perform कर सकते हैं। grouping की form में ये options मौजूद होते हैं, ये icons मौजूद होते हैं जो tools होते हैं। और classic view क्या होता है? In the classic view, the control panel tools are displayed as a list of icons. जो क्लासिक व्यू होता है उसमें ग्रुपिंग नहीं होती है, यानी कि जो क्लासिक व्यू के अंदर जो टूल्स मौजूद होंगे वो लिस्ट की फॉर्म में होंगे, जो आइकॉन्स होंगे उसमें ग्रुपिंग नहीं होती है। जो जैसे एक टूल मौजूद है, एक आइकॉन मौजूद है आपके पास कंट्रोल पैनल का, अगर क्लासिक व्यू है तो, और उसके अंदर फिर मल्टीपल टास्क नहीं होंगे, उसमें ग्रुपिंग नहीं होगी, आप उसके ज़रिए से सिर्फ एक ही टास्क परफॉर्म कर सकेंगे एक ऑप्शन से, एक आइकॉन से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ अ स्क्रीन सेवर, व्हाट इज़ इट्स यूज़। स्क्रीन सेवर क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या है? अ स्क्रीन सेवर क्रिएट्स इमेजेस दैट चेंज कॉन्टीन्यूसली ऑन द स्क्रीन। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व द कोटिंग इनसाइड द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। अब स्क्रीन सेवर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो स्क्रीन सेवर ये होता है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं काफ़ी देर के लिए, और आप कुछ देर के लिए मॉनिटर को छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है, बीच में अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं और कंप्यूटर को अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर जो है वो रेस्ट मोड पर चला गया है, तो क्या होगा कि जो उसकी स्क्रीन होगी, जब आपने लेट्स सपोज कोई वॉलपेपर सेट कर दिया है और वो चेंज नहीं हो रही है इमेजेस, अभी स्क्रीन सेवर अगर सेट नहीं है तो, ठीक है, जो वॉलपेपर होगा जब आपने कंप्यूटर पर काम करना छोड़ दिया है, मॉनिटर जो है वो रेस्ट पर चला गया है, तो ऑन ही है लेकिन वो, तो क्या होगा कि जो वॉलपेपर सेट किया होगा उसकी वजह से फिर आपकी स्क्रीन के अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो डैमेज हो जाएगा ज़्यादा देर के लिए जब ऑन रहता है, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर क्या करता है, इसके नाम से पता चल रहा है, स्क्रीन को सेव करता है, कैसे, ताकि इमेजेस जो हैं वो एक इमेज ना रहे, एक वॉलपेपर ना रहे जो आपने डेस्कटॉप पर सेट किया हुआ है, वो कॉन्टीन्यूसली बार बार जो है चेंज होता रहे, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है यूज़ क्या है कि ये जो है अंदर वाली स्क्रीन को, मॉनिटर की जो अंदर वाली स्क्रीन है उसकी कोटिंग को, उसकी कवरिंग को ये बचा कर रखती है, ठीक है। स्क्रीन सेवर है, इसके नाम से पता चल रहा है कि स्क्रीन को सेव करती है, स्क्रीन को अंदर से बचाती है। तो आज हमने CW6 में 3 क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, आपने ये 3 क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, नीट कॉपी पर लिखने हैं और मुझे चेक करवाने हैं ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।